मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे हियर देयर इज अ ब्राइट सनी डे, द पिच इज रेडी। देख सेब है, देख जरा सेब है, जरा ये देख क्या बढ़िया हुआ, बड़ा लाल बिल्कुल सेब। ये देख ना बिल्कुल सेब है, देखिए। हाँ, अकेलौता ही है बेचारा। ये देख इतने सारे सेब है, वो घुस गई सेब है। अरे सेब बिल्कुल लाल लाल, तोड़ ले एक दो से काम नहीं चलेगा, ऊपर वाली डंडी भी नीचे झुका, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। जेब में डाल। दो चार मिल रहे वो भी फट गए। तो ये हमारा माफिया जो है वो घुस गया खेतों में। चार पांच ही तोड़ना, ज्यादा मत तोड़ना क्योंकि इसमें है भी कम। बस 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 चार हो गए, आ जाओ। हो गए चार हो गए, आ जाओ। नहीं रहा, आजा, कमी है, आ जाओ। सो गाइस देखो, हमने सेब यहाँ पे चुरा लिए हैं और मौसम जो है आज वो ब्राइट सनी डे है, अच्छा खासा गर्म मौसम लग रहा है और धूप निकली हुई है। वो कच्चे हैं, लेकिन ये बिल्कुल लाल है ना, ये कच्चा नहीं है, बढ़िया वाले हैं ये, बढ़िया वाले लाल हैं। किलो वाले जो अभी वहाँ पे मिल रहे हैं ना, टेस्ट फिर भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन महंगे हैं, लेकिन महंगे हैं। आजा बीमार। अगर ये लड़की रात से नहीं नहाई होती वहाँ पे। हाँ, ये कुछ और है देख। वही तो है जब तोड़ा तब घर के साफ का। नहीं नहीं, इसमें चार डिजर्ट कट है। हाँ वही है, उसमें भी है। अच्छा, पीच नहीं है भाई, भाई पीच नहीं है भाई, इसमें चार टमाटर जैसा डिजाइन है इसका, चारों तरफ है। एक मिनट, जो आपने लिया था ना। हाँ, वो नीचे से वो है, ये टमाटर जैसा है। अरे वो ऊपर से भी तो मोगरा से भी है, वही मैं कह रहा हूँ, ये टमाटर जैसा है। वैसे भी है, वही है, वैसे ही है और फल भी। आज पानी का प्रेशर भी कम है, देखो जो हम जा रहे हैं ना, ये पानी का प्रेशर भी कम है आज। आज हम कहाँ जाएंगे बताओ? आज चैनीकोटी। चैनीकोटी और? चैनीकोटी है बस, फिर वहाँ से घर। मतलब ये राफ्टिंग का तो करने का मूड है नहीं हमारा। नहीं, राफ्टिंग का नहीं, तो राफ्टिंग के ये कुछ और दिन है राफ्टिंग के उसमें। हाँ, तो राफ्टिंग की जगह ये चैनीकोटी कर रहे हैं ना। अच्छा, वो ऑब्लिक में लिखा था ना। हाँ हाँ हाँ, क्या अगर राफ्टिंग नहीं होगी चैनीकोटी या चोई वाटरफॉल, तो चोई वाटरफॉल तो वाटर देख लिए। वाटरफॉल यार, चोई वाटरफॉल भी चलते रहा हूँ। दोनों तो नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि दोनों में तीन तीन चार चार किलोमीटर का ट्रैक है, तो हमारी टीम जो है वो इतनी वो स्ट्रांग नहीं है कि दोनों ट्रैक कर लेगी। मिर्च है ना, तो एक है तोड़ती है। मिर्च नहीं है, कुछ और ही है। तो एक है ना, तोड़ो ना। लाल जो है। हाँ। वो ये परमल टाइप का कुछ है, कच्चा भी देखो। ये कुछ निकला है इसमें से, ये देख। ये खराब है, ये ऊपर वाला सही है, वो देखो ये। और कच्चे कच्चे भी हैं। क्या तोड़ रहे हैं आप लोग? इसको तोड़ रहे हैं, क्या है? कच्चे भी हैं। कुछ अलग तरीके का फल है यहाँ का। तो यहाँ ना हम ना कुछ भी तोड़ लेते हैं आकर। हाँ, तो एक फल मुझे ये भी मिला था, देखो 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 देखा। पर आज ना पानी में प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, पानी बहुत हल्का है आज। ऊपर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है ना। धूप भी है तो तो
जो हमारा टारगेट था वो वहाँ का था, वो बात करेंगे। हम लगातार तीसरे दिन फिर से इस नदी पे आ गए हैं। खूबसूरत ही मिनी थाईलैंड से तो बहुत अच्छी है। मिनी थाईलैंड में कुछ नहीं है, बकवास है। ये वो लग रही है मुझे खुमानी। हाँ। खुमानी है, खुमानी खुमानी क्या? खुमानी हाँ। दा, दा। खुमानी और ये पक्की शोर है। ये एक मिनट कैमरे के आगे चला है। खुमानी है, शायद खुमानी है ना, मैंने खाई नहीं कभी, वही लग रही है लेकिन खुमानी है। ये पीली पीली हो जाती है फिर सूख जाती है, फिर उसको सूखी हुई खाते हैं खुमानी को। नहीं, जब पक जाती होगी तो फिर वैसे भी खाते होंगे। लेकिन खुमानी तो शायद इसकी बनती है, आड़ू की नहीं, छोटा आड़ू होगा। चलो चलो नीचे। ओए, 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 ओए। ये देखो हम फिर से नदी के किनारे आ गए हैं और हम यहाँ पे इस पत्थर पे पैर करके बैठेंगे। आज पानी का प्रेशर ना कम है। मैडम पत्थर मकड़ी भी चल रही है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ऊपर एक रखने के लिए। ये देख, चमक भी है इधर, देख एक साइड में चमक है, देख दोनों साइड है। अच्छा, ये देख देख कुछ अलग तरीके का है ना। ये देख यहाँ, देख यहाँ है, देख ये देख ग्रीन कलर। मैडम देखो बिल्कुल ग्रीन कलर, छोटू से वहाँ देख, वो रहा देख देख चितकबरा, ये आगे। हाँ ये इसका है ना, बन गया, बंदे को गिफ्ट कर दूंगी। बन गया तो बन जाएगा। ये देख। हाँ ये मतलब ओए होए। अगर किसी ने मुझे भिगोया मैं माफ नहीं करूंगी, तो फिर सूख रहे हैं। देख वाइट पकड़। यही है ये बात, ये तो रहा। तो मैं खुली हूँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ आके तो बैठ गए हैं नदी के किनारे। तो मेरे दिमाग में आया कि कल मैं आपको कुछ बताने वाला था, जब बूढ़ी नागिन के हम तरफ जा रहे थे और बूढ़ी नागिन टेंपल के बारे में कुछ बताया था, तो थोड़ी और कुछ चीज़ के बारे में थी बात जिसमें मैं आपको बताने वाला था। तो पता है आपको कि यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि जैसा मुझे वहाँ जाके पता चला था कि जो भी गाय के दूध से बना पहला घी होता है वो हमेशा पूजा के लिए बचा कर रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा बूढ़ी नागिन को ही खिलाया लगाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हम शुभ होता है। और ये भी होता है कि ये यहाँ पे प्रोटेक्टर की तरह से काम करते हैं कि जब भी यहाँ पे गाय को कोई नया बछड़ा पैदा होता है तो उसका घी जो है वो एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको जो है घी को किसी को नहीं खाने दिया जाता। तो यहाँ पे जो है कि जो ये सरोलसर लेक थी और बूढ़ी नागिन थी, इनके लिए पहला घी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। बेसिकली अगर ये कहा जाए कि बूढ़ी नागिन का कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, तो जो बूढ़ी नागिन के नाम से मशहूर है वो कहते हैं कि उन्हें दुर्गा माँ की कुछ शक्तियाँ जो थी वो प्राप्त हुई
जो कि नवदुर्गा का खुद एक रूप थी। तो पूरी नागिन जो है हिमाचल के इस इलाके में मंडी जिला जो है, ये पीछे मंडी पड़ता था जहाँ से हम आए हैं, तो मंडी के पास एक जगह है सिराज, तो सिराज इलाके की रहने वाली थी। उनकी जो शादी हुई थी वो बेसिकली यहाँ के सुकेत इलाके में हुई थी, जिसे अब कसौक के नाम से भी जाना जाता है। कसौक इज़ अ वेरी फेमस प्लेस कसौक। तो क्या हुआ कि जो बुद्धि नागिन है वो एक बार सतलज नदी के पास गई, तो जब वो जा रही थी तो उन्होंने मम्मी को या माँ को निर्देश दिया या कहा माँ को कि भाई जब तक वो वापस ना आए तब तक वह उनके बच्चों को ना जगा, जो उनके बच्चे हैं उनको सोता रहने दे, उनके बच्चे पड़े हैं पड़े रहने। अब उनके बच्चे जो हैं वो रसोई में भूसी की टोकरी में सो रहे थे, भूसी की टोकरी होती है जो गाय वाय वो खिलाई जाती है वो टोकरी होती है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो पालना वगैरह होता था वो पालना वगैरह उस पर लोग नहीं रखते थे, वो भूसी की टोकरी में ही रखते थे पहले। तो भूसी की टोकरी के अंदर सो रहे थे। तो जब काफ़ी देर तक वो बुद्धि नागिन नहीं आई तो उनकी माँ को जो है वो परेशानी हुई कि भैया काफ़ी देर हो गई है, बच्चे अभी तक सो रहे हैं, जागे ही नहीं है, क्या किया जाए, भूखे होंगे। तो उन्होंने जो उनको कहा गया था कि भाई नहीं जगाना है वो इग्नोर मारते हुए उन्होंने कम्बल हटा दिया। जैसे ही कम्बल हटाया अंदर से देखते हैं कि उनमें 5-6 सांप सो रहे हैं। माँ तो डर गई, डर के उन्होंने क्या किया कि जो रसोई की राख होती है, पहले कोयला वगैरह चलता था ना लकड़ी वगैरह, तो जो राख होती है वो राख फेंक दी, राख फेंक दी तो सांप जो है वो जगह जगह इधर उधर निकल गए। और उसके बाद भूल गए कि उन्हें कहाँ रहना है, क्या क्या घर है, किसके बच्चे हैं, वो सब। तो जब बुद्धि नागिन वापस आई तो उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि ये गाँव जो है छोड़ देना है। तो उस कसौक का जो भोरी गाँव है जहाँ बुद्धि नागिन पहले रहती थी, वहाँ आज भी एक छोटी पत्थर की मूर्ति है जिसमें उनकी पूजा की जाती है। और उस घर को आज तक ना तो बनाया गया है ना मरम्मत करा गया है। फिर वहाँ से निकल कर कसौक से निकल कर ये कुल्लू के बाजार घंटी से होते हुए जलौरी पास से होते हुए वो झील पर पहुँची जो सरलसर झील है, और वहाँ पर ही उन्होंने अपना घर जो है वो बना लिया। तो बेसिकली यहाँ पे ये माना जाता है कि जो बूढ़ी नागिन है ये नागदेव की माँ है, जो नागदेव यहाँ पे हैं उनकी माँ है। तो यहाँ के जो है लोगों का मानना है कि नागों का जो संबंध होता है वो शिव से होता है, भाई शिव के अपने जितने भी नाग होते हैं वो शिव के वो हैं, इसलिए कई बार सांप को देखकर भोले भोले भी बोल दिया जाता है। तो हर नाग जो होता है जितना भी, जैसे उनके बहुत सारे नाग होते हैं, तो हर नाग जो होता है उसका अपना एक क्षेत्र और गाँव होता है जिसका नाम उनके नाम पर ही रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 84 नाग है तो 84 गाँव है, हुंगरू नाग है तो हुंगरू गाँव है, झक्कड़ नाग है तो झक्कड़ गाँव है। तो इन्हीं के साथ इनके जो है वो मंदिर भी बने हुए हैं। तो जो ये नाग देवता हैं, पुजारी हैं, वो सब यहाँ घूमते हैं, स्थानीय लोगों के साथ नृत्य भी करते हैं, जिन्हें नाटी बोला जाता है यहाँ पे, तो नाटी एक जो है। अब झील तो आपने कल देखी थी और उसकी आभी चिड़िया के बारे में भी आपने देखा था। तो बेसिकली ये जो है कि बूढ़ी नागिन वहाँ पे आई और आकर एक बड़े पत्थर पर बैठी सरलसर झील को। तो जब वो वहाँ के बैठी तो 60 जोगनियाँ थी जिन्हें इंद्रदेव की पौड़ी कहा जाता है। तो जोगनियाँ या छोटी लड़कियाँ होती हैं। तो कुछ मंडी में शिकारी देवी जा रही थी और कुछ जरूरी जो ये जोगनियाँ थी। तो उन्होंने क्या करा, सरलसर झील में बूढ़ी नागिन को बैठ देगा जोगनियाँ उनके पास, और बोली चलो हम सब मिलकर कोई खेल खेलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बूढ़ी है, आसानी से हरा सकते हैं, हम बच्चियाँ हैं, जोगनियाँ जो हैं हम हरा देंगे। तो ये तो हुआ कि अगर बूढ़ी नागिन खेल जीत जाती है तो वह इस जगह को अपना घर बना लेगी, पवित्र स्थान बना लेगी, और अगर जोगनियाँ जीत जाती है तो वह इस जगह को छोड़ देगी बूढ़ी नागिन। अब खेल खेलते समय लड़कियों में से एक ने धोखा दे दिया, जब वो खेल रहे थे तो चीटिंग कर ली, अब धोखा दिया तो इससे तो बूढ़ी नागिन और ज़्यादा वो हुई। तो उन्होंने उसे जो है वो श्राप दे दिया कि तू चिड़िया बन जाएगी, और उसे कहा गया कि तेरा काम यही है भाई, तूने धोखा दिया है तो अब तेरा काम ये है, तो ज़िंदगी भर चिड़िया बन गई, इस झील को साफ करेगी। अब इस चिड़िया को ही कहा जाता है आभी चिड़िया। तो जो जोगनियाँ थी उनमें से जिसने धोखा दिया था लड़की ने, उसको श्राप से चिड़िया बनाया गया था, और देन ये
झील साफ करने का काम किया गया था, इसलिए आज तक भी ये वो झील साफ करती रहती है। तो आबी जड़िया के पीछे की तो ये कहानी है। अब वो क्या हुआ कि खेल आगे बढ़ता रहा, वो शराब से चिड़िया बन गई, तो बाकी किसी की हिम्मत हुई नहीं। अब जब हिम्मत नहीं हुई तो बूढ़ी नागी ने जो है वो खेल जीत लिया और फिर उसने यहाँ पे हमेशा रहने के लिए फैसला कर लिया। तो जब वो घर से निकली तो अपने साथ एक घड़ा लेके आई थी, घड़ा लेके आई थी। जब वो झील के चारों तरफ घूम रही थी तो वो घड़ा उनके आगे से गिर गया, तो वहीं पर ही जो है ये झील बनी। एक्चुअली पहले ये झील नहीं थी, पहले ये एक मैदान हुआ करता था। तो जो सरलसर में घूमते हुए उनके साथ घड़ा गिरा, जहाँ घड़ा गिरा वहाँ झील बनी। और जिस पत्थर पर बूढ़ी नागिन बैठी थी, तो हमने कल एक रिकॉर्ड किया था जहाँ पे एक काला सा पत्थर था, जहाँ पे पॉइंट था एक जगह जहाँ स्टार्टिंग में गए थे, वो काला पत्थर जो है वह बूढ़ी नागिन वहाँ पे जाके बैठी थी। उस जगह को पवित्र माना जाता है। इसके अलावा महाभारत से जुड़ा जाए, अगर इसको पांडवों के साथ जोड़ा जाए, तो कहते ये कि अपने वनवास के दौरान, जब वनवास था पांडवों को, वनवास के दौरान वो काफ़ी इधर से उधर घूमे थे, तो वो ये जलौरी पास पहुँचे थे और देन वो ये सरोलसर झील पहुँचे थे। तो उन्होंने झील के चारों तरफ चावल उगाना शुरू किया था। जब कल हम गए थे तो देखा होगा, हमने चावल देखा था वहाँ पे, कल हमने वहाँ पे चावल देखा था। तो उन्होंने चावल उगाना शुरू किया था और कहा जाता है कि उनके सामने बूढ़ी नागिन बाहर निकली और वापस झील में चली गई। तो पांडवों ने उनकी मूर्ति को झील से बाहर निकाला और झील के बाहर रख दिया। अब झील के किनारे उनका एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहाँ ऊपर गए थे। तब से लेकर इस जो अब तक है, वो मंदिर कई बार टूट चुका, कई बार बन चुका। अब ये जो मंदिर आपने देखा, ये चौथा मंदिर है तो तब से बनने के बाद। और जो घी चढ़ाने की बात है, जो मैं बोल रहा था कि घी चढ़ाते हैं, तो हर कोई अब जो पूजा करता है वो अपने घर से घी लेके आता है मंदिर में और वो चढ़ा के जाता है। तो कहते ये हैं कि मंदिर में चढ़ाया हुआ घी जो है वो सीधा झील के बीच में जाता है। अब यहाँ पे जो है इस झील के बारे में और एक कहानी है, जो सरलसर झील है उसके बारे में एक और कहानी है। वो कहानी ये है कि एक बार एक ब्राह्मण हुआ करते थे, तो वो अपने परिवार के साथ झील के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते क्या हुआ कि वह झील में गिर गए। उनके परिवार ने उन्हें बचाने की कोशिश तो बहुत की, पर हो नहीं पाए, हर किसी को तैरना नहीं आता। तो जब वो गिर गए थे तो उसको बचा नहीं पाए। 3 साल बाद, मतलब वहाँ से निकलने के 3 साल बाद, जो ब्राह्मण है वो झील से वापस आ गए। तो 3 साल वो वहाँ रहे, जिंदा रहे और वापस आए। तो बूढ़ी नागिन ने उनसे एक वादा लिया कि भाई आप इसके बारे में किसी को बताओगे नहीं कि आप ऐसे ऐसे यहाँ रहे थे, क्या था। जब वो आए वापसी तो परिवार वालों को तो चुपका होती है, अभी 3 साल तक कहाँ थे, हमने तुम्हें झील में गिरते हुए देखा था, तो वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे रहे, क्या हुआ, कहाँ चले गए थे वहाँ से। पूछा कहाँ गए थे, कैसे बच गए। तो ब्राह्मण ने लास्ट में सच बोल दिया, उसने बताया कि जब वह झील में गिरा था तो वह झील की तलहटी में पहुंच गया था, नीचे बॉटम पे। वहाँ बूढ़ी नागिन ने उसे बताया और वो वहाँ पे एक सोने के महल में रहती है, वहीं वो दही मथती है और वहीं उसने दूध के कई बर्तन दिखे थे। और जैसे ही उसने यह बोला, फिनिश, खत्म, बूढ़ी नागिन ने मना किया था कि नहीं बोलना है, वो मौत हो गई। अब ये दिक्कत हो गई, सुन को चुकी थी जितना सुना था। तो वो लोग झील के पास आए तो देखा कुछ अजीब सी मिस्ट्री यहाँ पे एक्शन हो रहे हैं। तो लगाया कि बूढ़ी नागिन चाहती थी कि भी झील को जो है वो अछूता रखा जाए, उसे साफ ही रखा जाए, इसलिए झील जो है वो हमेशा जो है वो साफ रहती है और वहाँ लोग अंदर उसके जाते भी नहीं। तो जो ये जलौरी था ये करसौप का ही है, तो बाजार घंटी से, बंजार घंटी जो बंजार एरिया है इसका, वहाँ से था। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हम यहाँ पे जाते हैं और देख के आए थे। तो ये कहानियाँ जो है जिसमें बूढ़ी नागिन की ब्राह्मण से रिलेटेड है, बूढ़ी नागिन की शादी से रिलेटेड है, उनके बच्चों से रिलेटेड है, कहा जाता है कि ये सब यहाँ के नागों की माँ मानी जाती है, आबी चिड़िया की कहानी, तो ये सब वो हिस्ट्री है जो कि कल हम यहाँ से आए थे तो हमने यहाँ पे देखा था और हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे अपनी आँखों से देख के आए हैं। ये हिस्ट्री इज हिस्ट्री, वो एक धार्मिक आस्था है। एंड मैंने कल भी बोला था कि किसी के फेथ को, किसी के विश्वास को हम चैलेंज नहीं करते हैं। जो यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था है वो है और हमें भी उसको मानते हैं और हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यही धार्मिक आस्था है। तो जो भी ये कहानियाँ हैं इसमें ना तो कोई सच की बात है ना कोई झूठ की बात है, हमने जैसा सुना वैसा आपको बता दिया। हाँ, अब मेरा कोई हिमाचली भाई, हिमाचली बहन,
अगर ये सब देख रहे हैं या ये सब कभी होता है और उनके पास कोई और इसके बारे में तथ्य हैं, तो मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या मेरे पास जो नॉलेज आई है वो गलत आई है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए आप इसके अंदर और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम के अंदर आई विल ट्राई कि भी मैं और तथ्यों को सामने निकाल के आ सकूँ अगर मैं गलत रहा इन सब बातों के बाद। तो प्लीज़ कमेंट करिए और अच्छी बातें मुझे बताइए इस एरिया के बारे में, जीवी के बारे में कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि जहाँ मैं आया था, जिस जगह पे मैं आया था, वहाँ पे और क्या नई चीज़ें थी और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें देखी जा सकती थी जो मैंने मिस की हैं, और क्या कहानियाँ थी जो मुझे नहीं पता चली। पर ठीक है, कमेंट के थ्रू शायद सभी दर्शक भी देख सकें और मैं भी पता कर सकूँ। तो तब तक के लिए इस कहानी को सुनिए, देखिए, मैं थोड़ा सा पानी के अंदर घूम के आता हूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय। तो ये है एक ब्राइट सनी डे, यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत प्यारा है, मेरे ऊपर पीछे आसमान सब बहुत प्यारा दिख रहा है। और अगर आप यहाँ से देखें तो नदी जा रही है, जैसे कि पीछे से जा ही रही है नदी, ठीक है। और अगर ऊपर आसमान देखें तो वो बहुत प्यारा है आज, और व्यू, ग्रीनरी, पानी, हर चारों तरफ अगर आप देखें तो सब बहुत प्यारा है आज। मतलब इससे प्यारा वेदर इससे प्यारा वेदर जो है ना वो हो नहीं सकता, बहुत प्यारा वेदर है। हल्की सी थी, तू चढ़ जाती ऊपर आराम से पेड़ पे। हाँ, अरे नहीं, अरे तो पेड़ पे चढ़ने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। तो इससे प्यारा वेदर जो है ना वो हो नहीं सकता, और इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। अब मेरी फोटो ऑन कीजिएगा, यहाँ पे मैं कहीं भी खिंचवाऊँ, मैं लेट के खिंचवाऊंगा वहाँ पे, शिवनाग की तरह। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा वेदर है, बहुत ही प्यारा मौसम है, इससे प्यारा वेदर, इससे प्यारा मौसम हो नहीं सकता। और ये देखो, ये ऊपर से ब्रिज एंड देन ये नदी, और कितना क्लीन पानी दिख रहा है और कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। और ये सो गाइस, यहाँ से चलने का टाइम आ गया है रिवर साइड को छोड़कर, बट आई एम गोइंग टू मिस दिस प्लेस। मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में, मेरे दिल में, एंड दीज मॉर्निंग्स यार, जो ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स है ना, ये कुछ अलग ही लेवल पे हैं। आई एम गोइंग टू मिस दीज, लव यू रिवर। पुष्पभद्रा इस रिवर का नाम है, पुष्पभद्रा। चलो मैडम, अपना सामान उठाओ, चलो बुझे हुए मन से चलते हैं और जाके चेंज करके निकलते हैं। तो पुष्पभद्रा रिवर जो है उसको बाय कहने का टाइम आ गया है। बाय बाय रिवर, बाय बाय रिवर। We are going to miss this place. और जिस तरीके का ये जगह है, और आज तो मैंने बताया ना, सनी ब्राइट डे है, आसमान बिल्कुल साफ है, धूप बड़ी प्यारी निकली हुई है, हैं? गर्मी भी है, गर्मी थोड़ी सी है। तो पहाड़ पे एक्चुअली धूप जो है ना वो डायरेक्ट लगती है, तो इसलिए भी थोड़ी सी गर्मी लगती है, क्योंकि पहाड़ पे जो धूप है वो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लगती है। तीन किलोमीटर का ट्रैक है ना चैनी कोठी का, ये पीछे पूरा व्यू, माउंटेन्स, बादल। वैसे पहाड़ पे पता नहीं चलता है, अभी बादल नहीं है, धूप निकली हुई है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो वेदर बन जाए, यहाँ आकर ना पता नहीं चलता। You never know with पहाड़। हाँ,
देख वेदर कब चेंज होगा। तो हमारा ये मॉर्निंग सेशन था हमारी प्यारी पुष्प भद्रा रिवर के साथ, दो दिन से जो हमारा साथ था आज वो खत्म हुआ। आज हम इसको बाय बाय मिस यू कह के आए हैं, फिर आने का वादा करके हो जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से होते हुए वापसी जा रहे हैं। चलिए पहुँचते हैं हम अपने होम स्टे में।